नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जब जब किसी पत्रकार ने अन्याय, अत्याचार और अपराध के खिलाफ अपनी कलम को चलाने का प्रयास किया है, तो अक्सर अराजक तत्व एवं अपराधियों द्वारा उसकी कलम को या तो तोड़ने का प्रयास किया गया या फिर उसे कुचलने का प्रयास किया गया है। क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है, वह समाज में जैसा देखता है वैसा ही अपनी कलम से लिखता है। पत्रकार अगर अपराध के बारे में ना लिखे तो अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। ऐसा ही एक मामला बीते रविवार को जनपद ललितपुर के तालवेहट में घटित हुआ, जहां एक अनुसूचित जाति के पत्रकार ने सट्टा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जब अपनी कलम को उठाने की कोशिश की तो उसे दबंगों द्वारा बेरहमी से मारा और पीटा गया। इतना ही नहीं, जब वह अपनी फरियाद लेकर थाना कोतवाली तालवेहट पहुंचा तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 151 में चालान काटा, जबकि पत्रकार पर आरोपियों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज किया गया और उस पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस अधीक्षक ललितपुर से गुहार लगाते हुए पत्रकार मुकेश रजक पुत्र पेलूराम रजक निवासी मोहल्ला तिवरियाना निवासी कोतवाली तालवेहट जिला ललितपुर ने बताया कि विगत रविवार को वह अपने खड़ा हुआ था, तभी वहां आरोपी ऋतिक साहू, शुभम साहू पुत्रगण शैलेश साहू, अखिलेश साहू, शैलेश साहू पुत्रगण भगवान दास साहू और भगवान दास साहू, हरिश्चंद्र साहू आदि निवासीगण तवरियाना मोहल्ला तालवेहट वहां पर आ गए और फरियादी के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ साथ गाली गलौच करने लगे तथा कहने लगे कि तू हमारे सट्टे वाली खबर प्रकाशित कराई थी जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, हम तुझे पत्रकारिता करना सिखा देंगे। यह कहते हुए सभी ने फरियादी के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। फरियादी किसी तरह अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 151 में चालान काट दिया, जबकि फरियादी के साथ गाली गलौज, अश्लील शब्दों का प्रयोग, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और जानलेवा हमला हुआ है। फरियादी ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर से न्याय की गुहार लगाई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। हमारा नाम है मुकेश कुमार रजक, हम तालवेट के निवासी हैं, मोहल्ला तिवरियानी में रहते हैं और हम पत्रकार भी हैं। तो हम पत्रकारिता में काम करते हैं, तो हम किसी काम से हमें सूचना मिली कि तरगुआ क्षेत्र में कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो वहाँ कवरेज करने के लिए जा रहे थे। तो कुछ दिन पहले हमने खबर को भी प्रकाशित किया था खबर को, तो वहाँ पर वो लोग आए और हमसे बोलने लगे कितना बड़ा पत्रकार है तू, कितना बड़ा पत्रकार है, तुमने हमारी खबर चलाई थी सट्टे वाली। तो हमने बोला कि भाई साहब हम तो हमारा तो काम है, हम तो जनहित में खबरें चलाएंगे। तो बोला हमसे, कहने लगा कि हम तुझे जान से मार देंगे। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, लाठी घूसों से बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है, देखिए आप इस तरह से हमारी तरफ पर छूटे हैं। और हमने वहाँ पर कोतवाली में प्रार्थना पत्र भी दिया था, तो उन लोगों ने 151 उनका चालान कर दिया। अब बताइए हमारी मतलब हमें जान माल का बिल्कुल खतरा है इन लोगों से, और जो बड़े पैसे वाले हैं। और हम अन्य गालियाँ भी दी जाति सूचक शब्दों में। हम आपको बताना चाहते हैं, एक ऋतिक साहू जी हैं जी, ये सत्ता खिलवाते हैं वहाँ के लोगों से, और हम थोड़े से रजक समाज से हैं। तो इनने हमसे कहा जो भी निजात तेरी क्या वो खाद है तो कितना बड़ा पत्रकार है। हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं कि हमारी साहब सुनवाई करी जाए, हमें इनसे बिल्कुल जान माल का खतरा है। आपको देखा भी होगा, अकल नहीं होता है तो हम पूरे परिवार के, हमारी 3 साल की बिटिया भी है, हम धरने पे बैठेंगे घंटा घर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।